जी रौड़ी वो महकते आन ते जेड़े जेड़े कलाकार वीर जिस तरह ढंग ना बुलाना है वो महकते आके अपनी मर्जी के मुताबिक अपने कलाकार वीर टाइम देंदे रहन। सरदार मलकीत सिंह रौड़ी इन्हां स्टेजां तो साडे आगू साहिबानां ने दस्सिया कि दुनिया का वड्डा संघर्ष है। असीं जिहड़े दुनिया विच होर संघर्ष होए उन्हां बारे पढ़िया, उन्हां बारे पढ़न तो बाद एक गल पता लगी कि जिहड़े कोई कलाकार उन्हां संघर्षां नूं हमायत करन आए सी उन्हां विच दो जां तीन तो वध कोई कलाकार नहीं सी आए। सो असीं सोचिया जिथे साडे लोकां ने इह सदी का सब तो वड्डा अंदोलन विढ़िया, सो साडा फर्ज बनदा असी एक हिस्टरी कायम करिए। असी समुची फिल्म इंडस्ट्री लिया के थोड़ी पिठ से खड़ी कर दी है, असी थोड़े नाल हमेशा खड़े हाँ, थोड़ी पिठ से हमेशा खड़े रहेंगे क्योंकि थोड़े धियां पोतां थोड़े लिए काम करने वाले लोग हाँ। सो मैं बेनती करूँगा साढ़े नाल 40 कलाकार पहुंचे ने सब की थोड़ी थोड़ी हाजिर लाने की कोशिश करते हैं। सब तो पहले मैं बेनती करदा गुरप्रीत कुकी भाजी होरां नूं, वह आके थोड़े नाल विचार सांझे करनगे, उस तो बाद असी अगले बुलारे नूं टाइम देवांगे। गुरप्रीत कुकी भाजी सब तो पहले आएंगे, मैडम गुरप्रीत कौर पंगू तो बाद तैयार रहन जी। सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आज एक चीज देख के बहुत खुशी हो रही है, मन सुकून मिल रहा है कि इन्हां जथेबंदियां दे आगू साडे बजुर्ग उन्होंने पंजाब तो इन्ना क संघर्ष शुरू किया सी, अज उन्हां दा अंदोलन उन्हां दा संघर्ष जिन्ना तुसी वड्डा करता, मैं समझ सकता कि उन्हां दी आत्मा नूं अज उन्ना सुकून मिल रहा होएगा साडे आगुआं नूं बजुर्गां नूं जिवें कोई प्यो अपने पुत नूं जवान हुंदिआं वेखदा। इन्हां ने अंदोलन नूं जवान हुंदिआं देखिआ, इन्हां ने संघर्ष नूं जवान हुंदिआं देखिआ। तुसी क्रांतिकारी हो, तुसी अंदोलनकारी हो, तुहाडा इतिहास गवाह बनेगा, तुहाडियां नस्लां तुहाडियां पुश्तां अपने बच्चियां नूं मान नाल दस्या करनगियां भई साडी बेबे भी अंदोलन च जाके बैठी सी। बेबे निहाल कौर का जिक्र भी होना, बेबे प्रकाश कौर का भी जिक्र होना, बीबे साडी बेबे धन कौर का भी जिक्र होना, साडी हरियाणे तो आई कुशल्या देवी का भी जिक्र होना। कोई बीबी माई भाई बच्चे बजुर्ग जिन्होंने इतने हाजरी लवाई है इतिहास भी धुर दरगाहे भी तुहाडी हाजरी लग रही है। याद रखियो परमात्मा सब देखता है, तुहाडियां हाजरियां उत्थे लग रही ने। तुसी अंदोलनकारी, तुसी क्रांतिकारी, साडे मान योग प्रधानमंत्री साहब ने एक नवा ही नाम देता कल अंदोलन जीवी। ये पता नहीं कि डिक्शनरी चो कढे, आपां तां कदे ना सुनिया ना देखिया, पर मैं एक गल अज मान नाल कहांगा कि सरकार नूं प्रधानमंत्री साहब नूं तुहाडे कोल तुहाडे अपने न्यूज चैनल ने, तुहाडे कोल तुहाडे चापलूस ने, तुहाडे कोल तुहाडा अपना टीवी है, पर जितना उन्होंने जिन्ना को 20 लाख अंदोलन जीवी है। सो गल है जी के तुसी जो जाबता जो सबर जो संतोख तुसी दिखाया एक विश्व दे विच मिसाल बन गई है, और तुहाडे सबर का इम्तिहान पल पल लिया जाएगा, तुहाडा सबर तोड़न की कोशिश की जाएगी, तुहानू बखेरन दी नखेड़न दी कोशिश की जाएगी, धर्म दे जात दे प्रांत दे नाते तुहानू वंडन दी कोशिश की जाएगी। वो सारियां कोशिशां तुसी अज तक फेल कीतियां ते अगों भी फेल करते रहना इन्हां दीआं कोशिशां नूं। ये कोशिश ऐसी इन्हां दी कोई कामयाब नहीं होण देणी। और एक गल मैं हकूमत नूं भी याद करवाना चाहुंदा कि तुसी अज किसान नूं मिट्टी दे विच मिलाउण दी कोशिश कर रहे हो। तुसी सोचते हो कि किसान नूं मिट्टी च मिला देंगे तो खत्म हो जाएगा। मैं इन्हों दसना चाहना कि किसान है इन्हों तो नसीहत लो कि एक बीज नूं मिट्टी च मिलाउंदा ते एडा बूटा बन के बाहर आउंदा। तुसी किसान नूं मिट्टी च मिलाउण दी कोशिश करते हो, देखो किड्डे किड्डे रुख बन के बाहर आउणगे। फिर
ये मिट्टी च नहीं मिला रहे, ये सानू तुसी बीज रहे हो, ये संघर्ष बीजे जाणगे हमेशा ही संघर्ष अपने हक की आवाज बन के साडी धरती ते उगदे रहणगे उठदे रहणगे छां करदे रहणगे आने वाली नस्लों नू। सो हालात ये बन गए, इन्होंने हर हीला वरत के देख लिया, तुहाडे अंदोलन बदनाम भी करके देख ले, झूठ भी बोल के देख ले, पोस्टर भी कट के देख ले, जिहदे ते एक बड़े सोहणे किसान मुंडे दी फोटो सी जिहड़ा सरकार दी तारीफ कर रहा सी कि मैं तो बड़ा खुशहाल किसान हूं, और तीजे दिन पता लगा बेचारा इत्थे ही बैठा सी थल्ले किते, उहदे आप पेट स्यापा करदा पिया सी सरकार दा। मैनू किसी ने कहा भी ये किसान की फोटो कितना ला सकते हैं पोस्टर ते, ना क्यों लाई, मैं क्या जदों किसी मीट की दुकान पर जाते हो ना उत्थे बाहर फोटो कि लगी होंगी है, मैं कहता बकरे की मुर्गे की, मैं क्या जिन्हों इन्होंने हलाल करना जिन्होंने चटकाना होंगे ना उसकी दुकान पर फोटो लाई होंगी, इन्होंने पोस्टर से फोटो भी ता ही लाई सी किसान ही चटकाना। सो ये इन्हों कोशिशां लास्ट कोशिश तुहाडे ते पथराव भी करके देख ले, तुहानू बदनाम भी करके देख लिया, धार्मिक रंग देने की कोशिश करके देख ली, तुसी कोई कोशिश इन्हां दी कामयाब नहीं होन दित्ती। इन्होंने हरियाणे दे विच ऐलान किया कि पता नहीं किन्नियां 600-700 रैलियां करांगे, किसान कट्ठा होएगा जिहड़ा बिल्लां दे हक विच है, पहली रैली दे विच ही हैलीकॉप्टर नहीं उतरन दिता कि उत्ते ही रैली करके मुड़ गए थले नहीं हुई। उत्थे बाद च उन्हें सोचा भी रैलियां करिए, फोन करते सी हाँ जी कल वाली रैली का क्या बना जो कल हो रही है, फोन आते सी कहंदे सर टेंट का इंतजाम हो गया है, स्टेज का भी इंतजाम हो गया है, चाह पानी कॉफी का भी इंतजाम हो गया है, कहंदे फिर कहंदे पर किसानां दा इंतजाम नहीं होया, वह कित्थों आने ने। सो रैली तो करोगे जे किसान आके कोई सामने बैठेगा, दिहाड़ीदार किन्ने बिठा लोगे सामने, ये तो वह ने जिहड़े जेबां चो खर्च करते पे ने, जिन्होंने घर वेचते थे वह भी लोग बैठे ने, गड्डियां वेचतियां प्लाट वेचते पता नहीं की अपना सरमाया वेच के थे आके बह गए, लंगर लाए हुए ने लोगों ने, इन्हों की कोई खरीद लेगा, ये रेट लाते ने साड़ी एक माता बारे कंगना ने, साड़ी एक माता बारे ने कहता कि वह बीबियां जिहड़ियां 500 रुपए चाहुंदियां, जदों रिहाना ने ट्वीट करता उदो कहिंदी इसने करोड़ों रुपये लिए हैं, भाई तू रेट तय करती है सारे का कौन किन्ने पैसे लैंदा, कमाल की गल। पर अज असीं यह दसण वास्ते इत्थे आए हाँ, बहुत जल्दी गल नूं खत्म करांगा क्योंकि बहुत सारे बुलारे ने, असीं सिर्फ यह दसण वास्ते आए हाँ कि जे चार लोग बॉलीवुड दे साडे किसानां दे साडे आगुआं दे साडे बजुर्गां दे साडे अंदोलन दे संघर्ष दे खिलाफ खड़े होए ना, अज 40 कलाकार बस भर के आए ने तुहाडे वास्ते, 40 कलाकार बैठे तुहाडी अपनी इंडस्ट्री दे, चार दा जवाब 40 नाल देण आए आ, परमात्मा करे अंदोलन कल साडा असीं जित के खत्म करके घरां नूं मुड़ जाइए, अगे ना चलना चलाउणा पवे, पर जे अंदोलन चलिया यकीन करो अज 40 आए आ छोटे जे नोटिस ते, अगली वारी 400 भी आके इत्थे बैठांगे तुहाडे नाल। सो सिर्फ इन्नियां क बेनतियां करनियां सी कि अपने जज़्ब ते अपने ज़ाब्ते ते कायम रहो, आवाम तक गल अपनी पहुंचाते रहो, अपने आगुआ का अदब करो, जो कहिंदे ने सिर्फ वह मनो, मेरे वर्गे बहुत कुछ कहणगे स्टेज ते आके, बड़े बुलारे आउणगे आपो अपनी राय दे के जाणगे, पर कदे किसे दी राय तो प्रभावित नहीं होना, अपनी राय जरूर बनाउणी है, तुहाडी राय उहदी राय नाल मिलदी होवे तां गल होर है। मैं इत्थे कोट करना चाहांगा शहीद भगत सिंह होणा नूं, उन्हां दी मैं जिंदगी च पहली जदों किताब पढ़ी मैं 17 साल दा सी, उन्हां दी किताब मैं पढ़ी बड़ी अच्छी विचारधारा लगी, पर लास्ट लाइन जदों लास्ट पैरा पढ़िया उन्हां दा, मैं उस किताब नूं 100 वारी चुम के नमस्कार किया, उन्होंने एंड ते लिखिया सी कि जो मेरी विचारधारा सी मैं इस किताब च लिखी है, पर कहिंदे मैं नौजवानों नूं बेनती करदा कि मेरी किताब पढ़ के मेरी विचारधारा अडोप्ट करन दी बजाए जे तुहानूं रब ने दिमाग दिता अपनी विचारधारा जरूर बनायो, अपने दिमाग नाल जरूर सोचियो।
सो तुसी विचारधारा दे मगर तुरे हुए हो, तुहाडी विचारधारा सामने बैठी है, ये तुहाडे दिमाग की सोच है जिन्हां नूं तुसी 6 महीने तो फॉलो कर रहे हो। अज कोई आके अपने विचार प्रकट करता, उहदे जज्बात कीमती हो सकते ने, उहदे इमोशंस हो सकते ने, उहदी भावना सच्ची हो सकती है, पर डगर ते किवें चलना है, रस्ते ते किवें चलना है, अपना पथ किवें नहीं छड्डना, असीं किवें सच्चे मार्ग ते चलदे आ, उस्तत करे जहान वाले उस महाकथन नूं महावाक नूं सच करना है, वह मार्ग जो तुहाडे वड्डे दसणगे, तुहाडे लीडर दसणगे, सिर्फ ते सिर्फ वह फॉलो करना है। लीडरां च ताकत किन्नी हुंदी है, ये टिकैत साहब ने 2 घंटिया च साबित करता सी पूरे संसार नूं, जिद्दण इहनां नूं लगा सी जिदन इन्हों नूं लगा सी कि अज असी गाजीपुर के तंबू कट्ठे करके अगले तंबू सिंघू बार्डर के कट्ठे करांगे, ते अगले तंबू असी टीकरी के कट्ठे करके वलेट के ट्रालियां च लद के भेज देंगे, हड़ आ गया सी उत्थे 2 घंटे च नेर लिया सी जरनैल ने, टकैत साहब ने उन्हां दे उन्हां अथरुआं दी तुसी जो कीमत पाई, उन्हां दे हंझुआं दी, उहनूं अज सारा संसार जानदा। मैनूं पंजाबी दीआं 2 लाइनां याद आ गईआं कि उह तां तैर जांदा सी वड्डे वड्डे दरिया, तुहाडे बारे ही गल हो रही है, तुसी नहीं परवाह करदे उदा किसे दी, उह तां तैर जांदा सी वड्डे वड्डे दरिया, सुनिया कल किसे दे 2 अथरुआं च डुब मरिया, वो 2 अथरुआं च डुब गए लोग। सत श्री अकाल। सो मैं अपनी गल नूं विराम देंगा इहो गल कह के, हकूमत नूं बेनती करदा, असी कोई अड़बाई नहीं दिखा रहे, असी कोई आकड़ा नहीं दिखा रहे, साड़ी अणख अपनी थान ते है, साड़ी हंबलनैस अपनी थान ते है, हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं, किसे दा लड़न दा कोई मूड नहीं, कोई इत्थे धक्का करन नहीं आया, हक मंगन आए हैं, मंगिया मिल जाएंगे ठीक है, नहीं तो साड़ा एक नारा हुंदा कि हक जिन्हां दे अपने आपे लैणगे खो, हक तो मिल जाएंगे, पर बेनती है इज्जत नाल, एहतराम दे नाल, प्यार नाल, मुहब्बत नाल, गल वकड़ी च लैके किसान नूं उहदे हक दे दो, वह प्यार शांति नाल अपने घर मुड़ जाएगा, ये काले कानून तुसी वापस लै लो, किसान अपने घर नूं वापस चला जाएगा। क्योंकि हकूमत नूं मैं इक्को गल लास्ते कहना चाहांगा कि तुझसे पहले जो यहां तख्त नशी था, तुझसे पहले जो यहां तख्त नशी था, उसे भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था, उन्हें भी लगता सी मैं ही खुदा वा, पर खुदा ऊपर बैठा है, खुदाबंद करीम आपे फैसले करता है। पर बेनती है, तुसी बड़े सोहने पोस्टर बैनर लाउंदे हो, एक रिक्वेस्ट है, ये हिंदी च भी जरूर लाया करो, इंग्लिश च भी लाया करो, अज तुहानू पूरा इंडिया, अज तुहानू पूरा संसार पढ़ना चाहुंदा कि तुसी इत्थे की लिख के लाया। मेरी बेनती है, पंजाबी भाषा साढ़े तक सीमित रह जाती है, सानू तो सारिया नू पता ही असी कौन है, किस हक लई खड़े हैं, इन्हां नू अंग्रेजी विच भी लाओ, हिंदी च भी लाओ, सारा इंडिया तुहानू पढ़े, सारा संसार पढ़े। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कीर्ति किसान।